देश के लिए हम क्रिकेट मिस कर देते, आईपीएल कोई मिस नहीं करता। जो T20 के टुल्लेबाज है वो ना वनडे में खेल सकता है कि हम T20 तब जीतेंगे जब हमारे बल्लेबाज जो है उसे फिट करना था, इस करके विकेट कीपर बना के फिट कर दिया। और राहुल की विकेट कीपिंग भी बड़ी लकड़ है, राहुल द्रविड़ की कहीं जगह नहीं थी उस समय, इसलिए वो सौरभ के सामने कुछ नहीं बोलता है। नमस्कार, आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। नए वर्ष में आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, फले फूलें और दी अवतार सेठी शो देखते रहें। आज सर्दी है तो सर्दी में क्या चाहिए, एक कप कॉफी, और अगर कॉफी के साथ में क्रिकेट पर गपशप हो जाए तो बात ही क्या है। और अगर गपशप करने के लिए सुरेंद्र खन्ना हमारे साथ हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सुरेंद्र खन्ना को अभी रिसेंटली एक पुरस्कार भी मिला है और सुरेंद्र खन्ना उसके बारे में भी कुछ बताएंगे। सुरेंद्र खन्ना को तो आप जानते ही हैं, बैटर विकेट कीपर भारत के रहे हैं, और हम आज उनसे पूछेंगे कि ये अवार्ड क्या जो उनको मिला है, उसके पश्चात हम बात करेंगे 2024 में जो क्रिकेट होने वाली है उसके बारे में वो क्या कहना चाहें। सुरेंद्र, आपका स्वागत और बधाई, आपको ये पुरस्कार मिला है, हमें बताइए कि कौन सा पुरस्कार। थैंक यू वेरी मच अवतार, और नए साल की सबको मुबारक, आपको भी और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी, कि उनकी ज़िंदगी जो है 2024 उनके लिए हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी जो उनकी मन की मुराद हो वो पूरी हो रही हो, और हम देश के लिए भी जो है वी शुड बी हेल्दी, वी शुड स्टे टुगेदर और अच्छा माहौल रहे। और ये अवार्ड जो है 25th राजीव गांधी फाउंडेशन जो 25वां अगर अवार्ड कर रहे हैं, और राजीव गांधी जी के नाम से जब मेरे को उनका फ़ोन कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो है एक्सेलेंस के लिए जो आपके अचीवमेंट्स हैं उसके लिए ऑनर करना चाहते हैं, तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ इस नाम के साथ। हर यंगस्टर जो है जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे देश के, जो हालात थे जिनमें बने थे, और वो पॉलिटिकल लाइफ से भी नहीं थे, ही वॉज अ पायलट विद एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, और जिस तरह से उन्होंने भारत को कंप्यूटर युग में, इलेक्ट्रॉनिक्स युग के अंदर लेके गए, लोग भूल जाएं लेकिन हमें याद रहता है। ये मुझे कॉल आया और मैंने हाँ की, बैंगलोर के अंदर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए, और वैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने आना था बट उनकी उस दिन असेंबली का लास्ट डे था, बट समटाइम डिस्कशंस गो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, लंबा हो जाता है चर्चाएं, और उसमें फिर तारिक अनवर साहब जो सीनियर लीडर है उन्होंने, और उनके साथ में राज्यसभा के MP पटेल साहब, उन्होंने जो है वो पुरस्कार वितरण किया, और उस डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जैसे सर्जन है, हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं मनोज खन्ना साहब, कैलकटा बेस्ड है, उनको उन्होंने चूज़ किया। फिर हाजी अली दरगाह है, उसके जो नंबर वन जो खादिम है सईद साहब, वो थे वहाँ पे, मुझे उनसे भी मिलने का मौका मिला बड़ी हस्तियों से। ज़ाहिर पाशा एक यंग जो है एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन, और उन्हें 5 वेरियस कैटेगरीज में मिला, क्या डायनामिक यंग, और इतना सहज, इतना मीठी और डाउन टू अर्थ जो है वो लोग जो है, इतनी अचीवमेंट्स के बाद बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, 4 times MLA यंग लड़का, उसके फादर भी MLA हैं, विजय कृष्णा नाम है शायद, और उनसे मुलाकात का मौका मिला। ये वो सर्टिफिकेट जो मिला साथ में ट्रॉफी के, वो भी दिखा दें कि ये राजीव गांधी ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड फाउंडेशन है जो 25 साल से अगर ऑर्गेनाइज कर रही है तो इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी लगन उनकी होगी। और डॉक्टर शमीम खान, मैं उनके लिए स्पेशली कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत कम इंसान होते हैं जो गंगा जमुनी तहजीब को हिंदुस्तान में बरकरार रखे हुए हैं, और जितने भी कार्यक्रम हमारे को जोड़ने के होते हैं, कठिन समय में हो, अच्छे समय में हो, वो लगातार इस डायरेक्शन में काम करते रहते हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल कि वो जो है और उनकी टीम जिन्होंने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और ये अवार्ड मिला। आप इस अवार्ड को डिजर्व करते हैं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सुरेंद्र। हम बात शुरू करते हैं, जब क्रिकेट गपशप की बात कर रहे हैं
तो गपशप शुरू करते हैं हम साउथ अफ्रीका दौरे से। जी, साउथ अफ्रीका में भारत ने 2 टेस्ट मैच खेले। पहला टेस्ट मैच हार गए, बुरी तरह से हारे। दूसरा टेस्ट मैच बुरी तरह से जीते, कहा जाए कि बुरी तरह से हराया दूसरा टेस्ट मैच। लेकिन यहाँ पे जो एक मुद्दा शुरू हुआ दूसरे टेस्ट मैच में, कुल 642 गेंदों में वो मैच खत्म हो गया 5 सेशन में। तो उसमें रोहित शर्मा ने ये कहा कि ये इसलिए हुआ कि वो पिच बहुत ख़राब थी। और पिछले साल भी आपको पता है कि वर्ल्ड कप जो क्रिकेट हुआ था उसमें भी फाइनल हम हार गए इसलिए कि वो पिच बड़ी ख़राब थी। अब रोहित शर्मा ने ये कहा है ICC को कि आप इसके लिए कोई तरीका ढूंढिए कि ऐसी पिचें ना बनाए। क्या ये हो सकता है? 80 साल से ऊपर मेरा ख्याल भारत को हो गया क्रिकेट खेलते हुए, टेस्ट मैच क्रिकेट और ऑफिशियली क्रिकेट खेलते हुए। और अगर वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला जो ICC का टूर्नामेंट होता है उसके फाइनल के अंदर विकेट ना हो, हमने जो पहले इंटरव्यू किया था प्रोग्राम उसके अंदर गपशप में भी मैंने कहा था कि अगर विकेट अच्छा होगा तो क्रिकेट अच्छी होगी। इट्स वेरी सिंपल। और वनडे क्रिकेट अगर होती है या T20 होती है उसके अंदर ज़्यादातर लोग देखने आते हैं कि रन्स बने, चौके लगे, छक्के लगे। गेंदबाजों के लिए कठिन होता है क्योंकि इट्स अ बैट्समैन गेम एंड ऑफ द डे। रूल्स जो हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, वो सर्कल है, 2 खिलाड़ी बाहर होंगे, फिर 4 सब ज़्यादातर अंदर रहेंगे सर्कल के अंदर, तो गैप्स अवेलेबल होते हैं, पिचें अच्छी होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ICC अपने क्यूरेटर तो भेजती है। नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसे स्टैंडर्ड थोड़ी फिक्स कर सकते हैं कि आप ऐसी अगर वो करें तो एक तरह से वो भी डॉक्टर्ड पिच ही हो जाएगी ना, कि आप पिच बिल्कुल ऐसी ही तैयार करें। देखो, जहाँ पे जिन कंट्रीज में क्यूरेटर्स प्रोफेशनल हैं उन सब ने क्रिकेट खेली होती है किसी न किसी लेवल पे। जैसे इंग्लैंड के अंदर अगर आप लोग टेस्ट मैच के लिए अगर लॉर्ड्स का क्यूरेटर है, उसे इंग्लैंड का कैप्टन जाके उससे ये नहीं कह सकता कि इस तरह का विकेट बना, वो सुन लेगा, पर ही इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द ECB क्रिकेट बोर्ड। लेकिन वो पिच बनाएगा जो 5 दिन जिसपे क्रिकेट बेहतरीन हो, खेला जा सके, और वनडे की बनाएगा तो उसमें भी जो है जिनमें क्षमता है बल्लेबाजों में गेंदबाजों में, वो अपने अच्छी क्रिकेट जो है वो पब्लिक के लिए और अपने लिए खेल सके। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से T20 और T10 क्रिकेट ज़्यादा होने लग गई है, उसकी वजह से टेक्निक खिलाड़ियों की वर्ल्ड ओवर टेम्परामेंट वो उसमें कमी बहुत ज़्यादा आई। पीछे पहले भी दक्षिण अफ्रीका जब भी सब कॉन्टिनेंट की टीम ने दौरा किया है तो वो उछाल वाली पिचें बनाते हैं, ग्रीन टॉप बनाते हैं। लेकिन अगर देखें जो उनके पुराने प्लेयर थे दक्षिण अफ्रीका के, वो उन पिचों में बैटल करते थे, खेलते थे अपनी बॉडी में ग्लोव्स लेके। लेकिन नयों में केवल एक पुराना जो उनका कप्तान एल्गर, जिसने पहले टेस्ट मैच में बहुत बड़ी पारी खेली, सेकंड में आउट हो गए, फिर रिटायर हो गए वो, लेकिन दूसरे ओपनर ने 170 में से सेकंड इनिंग में शतक लगाया, बाकी सारे खिलाड़ी आउट हो गए। तो जिनके पास टेस्ट क्रिकेट का अनुभव है, मैं जिस टाइम की बात करता हूँ उस समय रणजी ट्रॉफी हम खेला करते थे, टेस्ट क्रिकेट होती थी, वनडे क्रिकेट बहुत कम जब शुरू हुई तो बहुत कम होती थी, तो इसलिए हमारे टाइम के जितने प्लेयर्स थे उनकी टेक्निक बहुत अच्छी थी और वो डेज में जो अच्छा खेल लेता है वो फिर वनडे में भी अडेप्ट कर लेता है, T20 में भी कर लेता है। लेकिन अब बात ये, अगर अवतार जी जो T20 के टुल्लेबाज है वो ना वनडे में खेल सकता है ना डेज में खेल सकता है, तो ये मुख्यतः कारण बचपन में दक्षिण अफ्रीका जो इस तरह की विकेट्स पे खेल के बड़े हुए हैं, फास्ट बॉलिंग को खेल के बड़े हुए, अगर वो 55 पे आउट हुए तो हमारे गेंदबाजों की दाद देनी होगी जिन्होंने उनको 55 पे आउट कर दिया पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। और फिर हम 153/4 थे और 0 पे 6 विकेट भी गिरा दिए हमने। सुरेंद्र, 55 पर आउट कर दिया पूरी टीम को, ऑफकोर्स हमारे जो गेंदबाज हैं उनको श्रेय जाएगा, लेकिन ये भी बात देखने वाली है कि उसमें पिच का भी योगदान रहा, हीरो पिच भी रहा। देखो, दक्षिण अफ्रीका में जाओगे तो ज़्यादातर पिचों में हार्ड होती है
और बाउंस होता है। कई बार क्या होता है जब आप ग्रास रखते हो और अगर मॉइस्चर रह गया उसमें, डैम्पनेस थोड़ी सी रह गई, तो बॉल ग्रिप करके जो है कहीं से ज़्यादा उठता है कहीं से कम उठता है, तो वेरिएबल बाउंस जो है वो परेशान करता है। और हमारी टीमें अभी देखो, जब पहले दौरा करते थे तो दो या तीन साइड गेम खेलते थे आप तेज, अगर टेस्ट मैच खेलना उससे पहले तीन दिन के मैच मिलते थे। अभी इतना बिजी कैलेंडर है कि आप स्ट्रेट में जाके टेस्ट मैच खेल रहे हो, क्योंकि हम नेट प्रैक्टिस करेंगे और एक्लेमेटाइज हो गए, तो ऐसे नहीं होता है भाई। पहले दो तीन मैच आपको खेलने पड़ते हैं, एटलीस्ट दो थ्री डे मैचेस होने चाहिए जिससे आप बाउंस और पेस से जो है वहाँ की कंडीशन से रूबरू हो जाए और फिर आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। तो इसीलिए आप पहला टेस्ट मैच हारे, दूसरा जीत गया, हमने अडेप्ट किया बेहतर, हमारी गेंदबाजी भी बेहतर रही, कैचिंग भी अच्छी रही और बल्लेबाजी भी बेहतर रही, और टेस्ट मैच जीत गया। ने बहुत अच्छी बोलिंग की, बहुत शानदार गेंदबाजी, सभी गेंदबाज जो है, मेरे को लगता है कि जब से बुमराह हमारे पेस अटैक में आया हमारी जो है बॉलिंग की धार ज़्यादा नजर आती, जिस पेस पे वो गेंद दोनों तरफ स्विंग कराते हैं नई गेंद से, और फिर पुरानी गेंद से जब वो यॉर्कर्स लगाते हैं जिस कंट्रोल के साथ, अगर सामने से प्रेशर ना बने अवतार जी, एज अ बैट्समैन आपकी सोच ये होती है कि भाई बुमराह को मैं रोक लूँगा दूसरे को मारूंगा, तो उसमें वो जो है दूसरे एंड से बॉलर को फ़ायदा हो जाता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सिराज ने अच्छी बॉलिंग नहीं की या जो भी गेंदबाज सामने से कर रहा होता, क्योंकि प्रेशर दोनों एंड से बनेगा फिर विकेट गिरेगा। अभी जिक्र आया मोहम्मद शमी का, तो सबसे पहले हम मोहम्मद शमी को बधाई देते हैं कि उन्होंने अर्जुना अवार्ड जीता है और उन्हें राष्ट्रपति जी ने अर्जुना अवार्ड प्रदान किया। अब बात करते हैं सुरेंद्र हमारे T20 वर्ल्ड कप की, जो अभी होने वाला है जून से। ये सब देखते हुए कि मोहम्मद शमी बहुत अच्छा खेल रहा है और सिराज भी अच्छा खेल रहा है और बुमराह अच्छा खेल रहा है, अच्छा कर रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि बुमराह की और सिराज की इसमें जगह नहीं बनती, लेकिन एक नया फास्ट बॉलर और खिलाया उन्होंने, उसने भी अच्छा किया, मुकेश कुमार जी, अर्शदीप जी, ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में T20 में क्या इनकी जगह बनती है कि नहीं बनती? जहां तक अब लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो मोहम्मद शमी को उसमें लाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि मोहम्मद शमी 33 साल के हो गए हैं और उनको अभी तो फिलहाल एंकल में चोट भी लगी हुई है। देखो अगर एज की बात करते हैं तो एज इज ओनली अ नंबर। अगर आपने T20 खेलने जाना है, चार ओवर डालने हैं, दो ओवर पहले डालते हो दो बाद में, और शमी के पास जितना अनुभव है तो वो फॉर्म और फिटनेस पे निर्भर करता है कि उस समय सेलेक्टर्स क्या सोचते हैं। बट आई एम श्योर अर्जुना अवार्ड मिला है उसकी, मैं भी उनको मुबारक देता हूँ, और ये एनर्जाइज भी आपको करते हैं अवार्ड, जब आपको अपनी परफॉर्मेंसेज के ऊपर जब अवार्ड मिलता है तो आपको अच्छा लगता है और आप और अच्छा करना चाहते हो देश के लिए। तो मुझे लगता है कि उस समय फॉर्म क्या होगी एक महीना पहले, फिटनेस कैसी होगी, उस पर भी काफ़ी निर्भर करता है। कई बार ही आप पीक पहले कर जाते हो, क्योंकि जो पिचेस दक्षिण अफ्रीका में हैं उसमें अवतार आप और मैं भी गेंद डालते हैं तो विकेट मिल जाते हैं, लेकिन अमेरिका में अब हो रहा है और वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ विकेट्स कैसे होंगे, कंडीशंस कैसी होंगी, तो उस पर अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव और फिट है फिजिकली और मेंटली, तो उसे ज़रूर ले जाना चाहिए खिलाड़ी को, वो बैट्समैन हो बॉलर हो जो भी। अभी बात इसकी भी हो रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी क्या उसमें खिलाया जा सकता है कि नहीं, क्या वापस लेके आए उनको अभी T20 में? एंड आई एम श्योर जिस तरह से रोहित ने नेतृत्व दिया है भारतीय टीम को और उनसे कप्तानी करानी चाहिए, उनको वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए। कप्तानी की तो बात उनकी नहीं हो रही है, लेकिन हाँ उनको बैट्समैन के तौर पर खिलाने की बात तो की जा रही है, हालांकि पहले ये कह दिया गया था कि ये दोनों प्लेयर T20 में नहीं खेलेंगे। देखो ये जो है बातें जब सुनने में आती हैं, अगर आपके बेस्ट बैट्समैन अवेलेबल हैं तो उन्हें जो है खिलाना चाहिए, और ये तय खेल से रुखसत वो कब होंगे ये बड़ा खिलाड़ी खुद पता है, जो 15 साल 17 साल देश के लिए खेलते हैं, डे इन एंड डे आउट कितनी मेहनत करते हैं, ये एक तपस्या है विराट कोहली हो रोहित शर्मा हो, और मैं समझता हूँ कि उनसे बातचीत करनी चाहिए चयनकर्ता के जो चेयरमैन हैं अजीत अगरकर,
और बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको बैठ के उन्हें बुला के बातचीत करना चाहिए कि भाई अब हमें आगे जो है फेज आउट करना है, अगले वर्ल्ड कप जो है 4 साल के बाद होगा, 2 साल के बाद जो क्रिकेट होनी है, तो उनसे चर्चा करके आगे ले जाना चाहिए और मैच्योरिटी होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब वो करते हैं नहीं करते हैं अवतार, इसके ऊपर तो नहीं, ये बात तो चल रही है। दरअसल कमेटी बैठने वाली है जिसमें हार्दिक पांड्या को भी उन्होंने मेंबर बनाया है कि वो भी बताएं कि क्या ये इन दोनों प्लेयर्स को हम उसमें खिला सकते हैं कि नहीं। और जो संकेत अभी मिल रहे हैं उसके मुताबिक तो रोहित शर्मा और कोहली दोनों ही खेलने वाले हैं। और अब बात हम ये करें कि अगर हमारे अटैक जो है, अटैक में अगर बुमराह को या सिराज को ना खिलाएं तो फिर हमारा अटैक कैसा रहेगा? क्यों ना खिलाएं उनको? ये कहा जा रहा है कि उनकी जगह नहीं बनती है T20 में। मेरा ख्याल से अगर बुमराह फिट है तो वो नंबर वन बॉलर है, जो यॉर्कर वो लगाता है और सबसे कम रन्स वो देता है। बैट्समैन फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर रन्स अगेंस्ट हिम। ये बात तो सही है। देखो कुछ बातें अवतार जो अखबारों में आती हैं, मैं उनको 100% सच नहीं मानता। और हमारे अपने चैनल्स होते हैं जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो सही जगह से और सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं इन बातों को ज़्यादा तूल नहीं देता हूँ। और जहाँ तक भारतीय टीम का सवाल है वर्ल्ड कप के लिए जाएगी, तो वो जो है हमारी बेस्ट टीम होनी चाहिए जो फिट है और जिन्होंने टेस्टेड ट्राइड है। और रोहित शर्मा तो किसी भी तरह की क्रिकेट में ही मेक्स बैटिंग लुक सो ईजी। जब वो खेलता है उनके सामने कोई नज़र ही नहीं आता वर्ल्ड का खिलाड़ी, ऐसे टाइमिंग करना और गेंद जाती है 100 मीटर जो है, बड़े से बड़े गेंदबाजों को किस ईज के साथ वो मारता है। जहाँ टीम नीचे लगती है तो विराट कोहली है हमारे पास, पर T20 में जब वो खेले तो मैं उसको एक राइडर कहना चाहूँगा, अगर ये मेरा मैसेज उस तक पहुँच जाए कि हम T20 तब जीतेंगे जब हमारे बल्लेबाज जो है 22 गेंदों में 50 मारेंगे। आप 20 ओवर को 6-6.5 ओवर के अंदर 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लो और तीनों आपको वो जो है सेगमेंट जीतने होंगे, तब आप मैच जीतोगे। तो इट्स वेरी सिंपल। तो आपके हिसाब से हमारी टीम जो है T20 के लिए क्या बनती है? मैंने कहा कि अभी समय है, अभी जनवरी है और मेरे ख्याल जून जुलाई में हमने जून में है खेलने जाना है जून में। हार्दिक पांड्या का भी आपने नाम लिया, वो फिट ही नहीं है, तो हमें खिलाड़ी फिट चाहिए, मैच फिट चाहिए। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे इंजरी आती है उसके बाद मैंने देखा कि कई खिलाड़ी जो है तुरंत जो है, जैसे हमने शुभमन गिल को, उसको बीमार हो गए थे और फिर हमने उसे वर्ल्ड कप में खिला दिया, उसको हमें वहाँ पे रेस्ट कराना चाहिए था क्योंकि अभी वो यंग है। और अगर आपको पैंडमिक में या कोई भी ऐसी आपको फीवर हुआ है तो रिकवरी के अंदर जो है आपको बहुत समय लगता है, तो वहाँ उन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई और हमारे पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल थे हमारे, और अपने ही देश में खेल रहे थे, हमारे पास बहुत खिलाड़ी थे बाहर जो बैठे, अच्छे प्लेयर हमारे पास अवेलेबल थे। तो अगर मैं वहाँ पे होता तो मेरी राय ये होती कि भाई इसको रेस्ट कराया जाए और आगे बहुत क्रिकेट है, साल के अंदर 200 दिन क्रिकेट हम खेलते हैं, IPL भी खेलते हैं। अब मुझे बताओ देश के लिए हम क्रिकेट मिस कर देते हैं, IPL कोई मिस नहीं करता। इंजरी जितनों को होती है NCA बैंगलोर में चले जाते हैं और जैसे IPL आएगी सारे फिट हो जाएंगे। अच्छा आप तो विकेट कीपर रह चुके हैं, आप ये बताइए ईशान किशन या जितेश शर्मा, इन दोनों में से कौन सा जो है विकेट कीपर ज़्यादा फिट बैठेगा? देखो ईशान किशन ने प्रूव किया है, उसने कितने रन्स बनाए हैं, बहुत तेज़ी से बनाता है, बड़ा लेफ्ट हैंडर है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। अब वो सेलेक्टर्स की स्कीम ऑफ थिंग्स में, जो करंट कैप्टन है उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, अब वो राहुल को विकेट कीपर बना के खिला रहे हैं तो ईशान किशन कैसे खेलेगा बेचारा? राहुल इज नॉट एक्चुअली अ विकेट कीपर, उसे फिट करना था इस करके विकेट कीपर बना के फिट कर दिया, तो ईशान किशन क्या करेगा बाहर बैठ के? जब हमारे पास ईशान किशन जो नेचुरल बॉर्न विकेट कीपर है और हम राहुल को जबरदस्ती फिट करते हैं, नथिंग अगेंस्ट, पर्सनल अगेंस्ट है, तो ईशान किशन बेचारा तो बाहर बैठा हुआ, वो वहाँ से वापस ही आ गया। अब उसमें सुना कोई एक्शन भी ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे से अगर आप पूछो तो आई विल गो विद ईशान किशन T20 के लिए। देखिए जो कहा जा रहा है, फिर आप कहेंगे कि अखबारों में जो छपा है उससे उस पर हम ज़्यादा इतबार नहीं करते हैं, जो कहा जा रहा है उसमें तो यही है कि राहुल तो 50-50 में जो है
वो ज्यादा उपयुक्त बैठता है, T20 में नहीं बैठता। देखो राहुल द्रविड़ कहाँ से है, राहुल द्रविड़ को भी फिट किया, राहुल नाम भी कुछ है कि गांगुली ने, गुंडप्पा विश्वनाथ साहब ने उसको वनडे खिला खिला के विकेट कीपर बना के खिला के राहुल द्रविड़ बन गया। गांगुली एंड गुंडप्पा विश्वनाथ एंड सेलेक्टर्स ने राहुल द्रविड़ की कहीं जगह नहीं थी उस समय, इसलिए वो सौरभ के सामने कुछ नहीं बोलता है। और गुंडप्पा विश्वनाथ साहब की दूरदर्शिता जिन्होंने राहुल द्रविड़ को बनाया, और मुझे याद है उन्होंने चर्चा मेरे से की थी, मैं कहा वो फ्रंट फुट पे बहुत ज्यादा खेलता है और आपके साउथ में बैटिंग पिचे होती है, कहते सुरेंद्र एक बारी देखी हो तो उसको, वंस ही सेटल्स डाउन ही विल बी अ ग्रेट प्लेयर। और उनके विजन की दाद देता हूँ गुंडप्पा विश्वनाथ साहब के, उनको बहुत सलाम। और अब वो कोच है और राहुल भी जो है बैंगलोर का, उसको उसने जबरदस्ती फिट कर दिया, तो ईशान किशन क्या करेगा बेचारा, रोहित शर्मा कैप्टन होगा, ईशान किशन खेलेगा। रोहित शर्मा कैप्टन होगा और ईशान किशन खेलेगा। हाँ, मुंबई इंडियंस में उसने उसका पोटेंशियल देखा हुआ है, रोहित के अंडर उसने इंडिया के लिए 100 मारा है, T20 में मारता है वो सर, क्या स्ट्रोक्स खेलता है वो जवान लड़का जो है, आई लव हिम, मेरा रिश्तेदार नहीं है वो, झारखंड से है, बिहार से है, कहाँ से है, बट खेलता तो देश के लिए है ना। और आपने पूछा विकेट कीपर से विकेट कीपर के बारे में, और राहुल की विकेट कीपिंग भी बड़ी लद्दड़ है, KL राहुल की हर मैच में आप देखोगे कितने कॉन्फिडेंट छोड़ता है, और वो ऊपर खड़े होके, पीछे खड़े होके तो अवतार जी आप भी कर लो विकेट कीपिंग, विकेट कीपिंग टेस्ट होती है जब आप आगे खड़े होते, वो पहले ही खड़ा हो जाता है और कॉट भी हट छूट जाता है। मेरा कोई द्वेष नहीं है इनसे, नहीं मैं समझ सकता हूँ कि आप विकेट कीपर होने के नाते तो आप सही सलाह दोगे ना कि कौन सा विकेट कीपर T20 में सही रहेगा। इसीलिए कहा जितेश तो मेरी स्कीम ऑफ थिंग में आता ही नहीं है, पहले ईशान किशन आपके पास आउटस्टैंडिंग है यार, उसने देश के लिए 200 भी मारा है, 100 भी मारा है, और आप उसको नहीं चांस दे रहे हो, तो आई फील सॉरी फॉर यू। अच्छा, कुछ नए खिलाड़ी भी जैसे रवि बिश्नोई आए हैं, और एक यशपाल जायसवाल हैं, और एक गायकवाड़ भी है, ऋतुराज गायकवाड़, टेक्निकली बहुत जबरदस्त, ऋतुराज को आप लंबे समय तक, और जायसवाल भी अच्छा लेफ्ट हैंडर है, युवा खिलाड़ी, तो अब आने वाले समय में मेरे ख्याल इनको मौका देना चाहिए T20 में, ये बहुत सॉलिड प्लेयर्स हैं, और फील्डिंग के अंदर भी इनमें करंट है, क्योंकि उमर दराज जब आप ले जाते हो, श्रेयस अय्यर है शॉर्ट बॉल के ऊपर, उसको सॉर्ट आउट कर लिया है, तो मेरे ख्याल से ये जवान लड़कों को मौका मिलना चाहिए, एंड इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, काफी हमारे पास टैलेंट है। तो एक बार मैं फिर आपसे पूछूंगा कि हमारा जो अटैक है, अटैक में आप किन किन बॉलर्स को रखेंगे, एक तो कुलदीप यादव का तो होना जरूरी है लगता है मुझे, कुलदीप यादव काफी अच्छा खेल रहा है और T20 में वैसे भी उसकी जगह काफी बनती है। देखो फास्ट बॉलिंग अगर देखी जाए तो बुमराह मेरा नंबर वन बॉलर है सिराज के साथ, और वो नया लड़का अभी फास्ट बॉलर मुस्लिम है, वो भी अभी जिसने दक्षिण अफ्रीका में विकटें ली है, और लेफ्ट हैंडर अपना सरदार जी जो है अर्शदीप, तो ये जवान लड़कों को लेके आना चाहिए, इनमें करंट है, स्पिन के अंदर जाडेजा है हमारा और कुलदीप यादव है, जाडेजा ऑलराउंड एबिलिटी है उसकी, फील्डर लाजवाब है, बल्लेबाजी में स्कोर करता है और प्रूवन यू नो एट द इंटरनेशनल लेवल, तो बाकी अब वो क्या सोचते हैं। अश्विन हमारे पास है T20 में, उन्होंने वर्ल्ड कप में नहीं उसे खिलाया जो है, भारत में उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिला सकते थे उसको, जो है 3-4 लेफ्ट हैंडर थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन आई डोंट नो व्हाट फॉल्ट दे फाइंड विद हिम, वो T20 में भी बहुत अनुभव है उसके पास, और मेरा ख्याल बल्लेबाजी भी अच्छी करता है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, इज़ अ गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम। और वाशिंगटन सुंदर इज़ अनदर क्रिकेटर जिसने ऑस्ट्रेलिया में हमें अपना रियल टैलेंट दिखाया था, जब हमारे 3-4 प्लेयर इंजर्ड हो गए, कोहली वापस आ गया, पहला टेस्ट मैच हारे थे, हरियाणा की कप्तानी में हम श्रृंखला जीत के आ गए थे, तो ये लड़के, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कप्तान, देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट अवेलेबल, अगर कप्तान नया बनता है तो उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कौन लोग हैं जो उसकी लिस्ट में है वो आएंगे, आपके और मेरे कहने से नहीं आएगा खिलाड़ी। अगर रोहित शर्मा की कप्तानी रहती है जिसने अपने सारे खिलाड़ियों को देखा है तो वो फिर भी जस्टिस करता है, यू नो जो मैंने देखा है पिछले 3-4 सालों में, कोहली को उसने ड्रॉप नहीं होने दिया, कोहली ने 4 साल 4.5 साल एक सैकड़ा नहीं मारा था, तो कप्तान अगर चाहता, और ये होता क्या कि जब कोहली कप्तान था तो रोहित शर्मा को पहले खिला नहीं रहे थे टेस्ट मैच क्रिकेट में, तो उसने फिर मौके दिए तो रोहित शर्मा पर, तो दे रीपे ईच अदर एज वेल, बट अल्टीमेटली आपकी क्षमता आपका पोटेंशियल आप में होना चाहिए,
आपका अपनी एबिलिटी में विश्वास होना चाहिए और ये सब अड़चने राहु केतु सब हट जाते हैं अवतार जब ऊपर वाले की नजर पड़ती। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है काफी खिलाड़ी है और हमें चुनाव करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, बस सिर्फ ये देखना है कि कौन कप्तान होगा और क्या स्कीम बनती है, क्या स्ट्रेटेजी, उसके हिसाब से किन किन खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो मैं आपसे अब ये पूछूंगा कि आपकी भविष्यवाणी क्या है, T20 में क्या करके आएंगे? अभी जून जून जुलाई अभी काफी दूर है, करेंगे एक प्रोग्राम और करेंगे अवतार जी, सारी चीजें आज ही पूछना चाहते हैं। नहीं, पहली भविष्यवाणी, फिर दूसरी भविष्यवाणी, फिर तीसरी। भारतीय टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है। देखो, वो कहते हैं कि लक्षण नजर आ जाते हैं आपके, और ये साल की शुरुआत उन्होंने अच्छी की, पहला टेस्ट हारे लेकिन फिर दूसरे में शिकस्त उनको जिस तरह दी उन्होंने, और T20 हो या वनडे क्रिकेट हो, उसमें अच्छी क्रिकेट भारतीय टीम खेल रही है। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि ये साल अच्छा रहेगा भारतीय टीम के लिए, बट हमारे मेन प्लेयर्स जो हैं उनको इंजरी ना हो, जैसे हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, अब कह रहे हैं IPL भी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। तो खिलाड़ी जो है पीक पे जो है वो इंजर्ड ना हो और वो अवेलेबल हो, तो भारत का फ्यूचर जो है ब्राइट, 2024 बेहतरीन होगा, कोई बड़ी बात नहीं, हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। इसी नोट पे कि हमारे खिलाड़ी जरूर जीतेंगे, जैसा कि आपने कहा। अच्छा, ये बताओ ये क्या है, मैं बड़ी देर से देखना चाह रहा हूँ ये क्या है। ये ऑस्ट्रेलिया में डॉन ब्रैडमैन का एक म्यूजियम है। वाह, क्या बात। सिडनी से 2-3 घंटे का रास्ता है और बोरॉल जगह का नाम है, तो मैं अभी वहाँ गया था तो ये वहाँ से मैं लेके आया। क्या बात, नेक्स्ट टाइम जाओ तो एक मेरे लिए भी लेके आना। बिल्कुल, जैसे फिल्मों के अंदर एक्टिंग के अंदर दिलीप कुमार साहब फिर लाइन शुरू होती है, ऐसे ही क्रिकेट के अंदर डॉन ब्रैडमैन साहब, उसके बाद लाइन शुरू होती है। लाइन शुरू की जरूर हमारी टीम अच्छा करेगी T20 में। वैसे हमारे हीरा के सुनील गावस्कर सनी भाई मेरे सर, आपको बहुत बहुत नए साल की सभी को शुभकामनाएं और हमारे जो है डॉन, आप हो बल्लेबाजी के सर, तो सुनील गावस्कर को और बाकी सभी खिलाड़ियों को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं 2024 की। और इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम खत्म करते हैं। 2024 में और ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर पढ़ने चाहिए, अवतार जी बेहतरीन इंसान हैं, स्पोर्ट्स इनका पैशन है, वैसे ये दूसरी फील्ड के माहिर रहे हैं और 50 सालों से स्पोर्ट्स और इसके अंदर काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में था लेकिन ये मेरा पैशन रहा है, लगभग 50 सालों से मैं स्पोर्ट्स कमेंट्री कर रहा हूँ और मैंने दूरदर्शन के लिए, ESPN के लिए और BBC के लिए कमेंट्री की। लोगों को पता चलना चाहिए। धन्यवाद सुरेंद्र, थैंक यू वेरी मच अवतार जी, यू ऑलवेज काइंड एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।